चलिए नाउ इश्यू ऑफ बोनस शेयर का आज हम थोड़ा और बेस समझते हैं। सपोज करो कि किसी कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उनका कैपिटल है 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख का कैपिटल कैसे होगा? ये है इनका बैलेंस शीट, ये एसेट्स और ये लायबिलिटी। तो जब फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट होता है एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा ही होता है। सो यहां पर आता है कैश एसेट्स में 5 लाख एंड कैपिटल लायबिलिटीज में 5 लाख, बैलेंस शीट टैली है। अब इसी कंपनी ने एक साल में 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, तो 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट जो है वो कंपनी के पास कहाँ होगा? तो एक तो कंपनी का कैश बढ़ जाएगा, पहले 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख प्रॉफिट, तो 15 लाख कैश हो गया। और यही अगर हम कंपनीज की बात करें तो ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके अलग से लिखते हैं 10 लाख रुपीज। देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है दोनों साइड। फिर भी अब ऐसा करते करते समझो 3-4 साल निकल गए, हर साल कंपनी 10 लाख कमा रही है, तो 10 लाख कमा रही है तो 4 साल में 40 लाख कमा ली। तो अब कंपनी ने 5 से स्टार्ट किया और 40 का प्रॉफिट हो गया, तो कैश कितना हो गया? 45। और इधर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितना हो गया? 40। क्लियर? अब कंपनी का शेयर कैपिटल 5 लाख है बट उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी ये प्रॉफिट रखकर क्या करेगी? तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि ये प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे। अब जब प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांटेगी तो एक तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और दूसरा कैश देना पड़ेगा ना, शेयर होल्डर को कैश बेचना पड़ेगा। सपोज करो कंपनी ने इसमें से 20 लाख प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे दिया, डिविडेंड कहते हैं, तो एक तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 20 लाख, दूसरा कैश चला जाएगा। अब कंपनी को एक काम करना है, क्या हिंदी में कहवत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को कैश भी चाहिए और शेयर होल्डर को देना भी है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी एक काम करो, 5 लाख के है ना, हम आपको 5 लाख के शेयर्स दे देते हैं बोनस में, 5 लाख कैश नहीं देगी, 5 लाख के शेयर्स। तो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 5 लाख माइनस करके कैपिटल में डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40 की जगह कितना हो जाएगा, 5 लाख रिड्यूस हो जाए तो 35 लाख, तो 35 लाख यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 35 लाख। और कैपिटल 10 इंक्रीज हो जाएगा, शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये 10 लाख हो गया। अब इसके लिए क्या हुआ, फुली पेडअप शेयर को बोनस दिया। तो देखो आपकी नोटबुक में मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है और लास्ट लेक्चर में लर्न करने के लिए भी बोला था, फुली पेडअप शेयर्स को बोनस देने के लिए क्या एंट्री है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं रिजर्व्स, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। तो यहां पर रिजर्व कौन सा है, पीएनएल, तो रिजर्व को क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बोनस 5 लाख, पहले रिजर्व का पैसा बोनस में ट्रांसफर किया एंड देन नेक्स्ट एंट्री है बोनस टू कैपिटल, यही है बोनस टू कैपिटल। तो बोनस में 5 लाख था वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब जब इसका पोस्टिंग होगा तो बोनस अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पैसा कहाँ चला गया, कैपिटल में, कंपनी के पास कैश तो अपना ही रहा, अपने पास ही रहा। इन शॉर्ट कंपनी ने क्या किया, सपोज करो आपके पास ABC कंपनी के शेयर्स हैं, तो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है, फिर बोल रही है आप ही हमारे शेयर्स फिर से परचेज कर लो दूसरे, फिर आपको पैसा भेजे, फिर आप शेयर्स परचेज करो, इट विल बी बेटर कि आपको सीधे शेयर्स ही बेचती, वो बोनस शेयर्स होते हैं, आप जाके बेचो उसको, आपको पैसा मिल जाएगा। सपोज करो कोई ऐसा बोल गया कि सर बोनस आ जाए हमारे पास और हमें कंपनी के दूसरे शेयर्स नहीं लेने, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसा चाहिए, मेरा बेटा मेरी बेटी हायर एजुकेशन कर रही है उसके लिए पैसा चाहिए, तो मुझे कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए,
मेरे पास बोनस आया तो मैं रख दूंगी, कैश में आया तो कंपनी के शेयर्स नहीं लूंगी, तो कंपनी को किसी और को बेचने पड़ेंगे ये शेयर। तो आप भी तो यही कर सकते हो, कंपनी आपको कैश बेचे तो आप कंपनी के शेयर्स लो या ना लो, आपके पास शेयर्स आ गए ना बोनस, आप बेच दो मार्केट में उसको, मार्केट में बेच दोगे आपके पास कैश आ जाएगा ना। अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं ऑलरेडी और 1000 पर कंपनी 1000 शेयर्स बोनस दे रही है, तब आपके आपके अकाउंट में 2000 शेयर्स आ गए, उसमें से 1000 बेच दो, कैश मिल जाएगा आपको। सो सिंपल सी एंट्री है, रिजर्व में से पैसा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। सो रिजर्व टू कैपिटल, अब रिजर्व टू कैपिटल यहाँ डिपेंड करता है पीएनएल में है या ये पैसा जनरल रिजर्व में है। कई बार कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम रखेगी। देखो 5 लाख का कंपनी का कैपिटल, फिर से उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, और 5 लाख का कंपनी का कैश, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया, तो 10 लाख का प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा और कंपनी के सामने 10 बढ़ जाएंगे। फिर सेकेंड ईयर फिर से कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया, तो कंपनी क्या करेगी कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 10 लाख। ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जनरल रिजर्व में, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अब कंपनी के पास है 25 लाख। सो कंपनी जो एडिशनल सेविंग होती है ना, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं, वो भी रिजर्व है उनका। कहीं से कोई कैपिटल इनकम हो गई, वो भी यहाँ पर रखेंगे रिजर्व्स में। सो जितना पैसा बढ़ता जाता है ना, वो रिजर्व्स हैं, ये समझो कंपनी का प्रॉफिट ही है, इसमें से ही कंपनी को बोनस देना है। तो ये सारी सेविंग्स हैं कंपनी की, इनकम्स हैं, और उसमें से बोनस दे देते हैं। अब पीएनएल की जगह हो सकता है आपको बोले नहीं जनरल रिजर्व में से बोनस देते हैं, तो ठीक है, क्या हो जाएगा एंट्री में चेंज, क्या हो जाएगा पीएनएल की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनरल रिजर्व हो गया बोनस, जनरल रिजर्व कम हो जाएगा। अब जनरल रिजर्व में से कंपनी बोनस दे रही है, देखो दोनों साइड 25 लाख है, अब जनरल रिजर्व में से बोनस दे रही है, तो जनरल रिजर्व 10 का क्या हो जाएगा 5, और ऊपर कैपिटल क्या हो जाएगा 5 का 10, हो गया जनरल रिजर्व में से बोनस। सो जिस रिजर्व में से बोनस दे रहे हैं वो रिजर्व रिड्यूस हो जाएगा, और रिजर्व्स ऑलवेज लाइबिलिटी साइड होते हैं, लाइबिलिटी साइड मींस क्रेडिट बैलेंस होता है इनका, रिजर्व्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, और क्रेडिट होते हैं और हम उनको डेबिट कर रहे हैं तो रिड्यूस हो जाएंगे, बोनस दे दिया, ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट अभी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फेरा कंपनी लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, द इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज रुपीज 4,80,000 डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ₹80 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पैड अप। 4,80,000 के शेयर्स इशू किए हैं 100 ईच, तो देखो 4,80,000 डिवाइड बाय 100, तो शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20 कैंसिल कर दें तो 4,800 शेयर्स, 4,800 शेयर्स पर। अब इनका कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 80 रुपीज,
तो अमाउंट जो पेंडिंग है, जो फाइनल कॉल पेंडिंग है, वो कितना है? फाइनल कॉल अब 80 पेड अप है, 100 का शेयर है, तो रुपीज 20 बाकी है लेना, और पर शेयर 20 रुपीज लेने हैं, तो 4800 शेयर्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको 96,000 का फाइनल कॉल करना बाकी है। 4800 शेयर्स इश्यू किए हैं 100 रुपीज के, उसमें से 80 ले लिया है, 20 लेना बाकी है, तो 96,000 लेने बाकी हैं इनको। अब आगे दिया हुआ है, अ सम ऑफ 4,32,000 वॉज कैपिटलाइज्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड आउट ऑफ द अमाउंट सो कैपिटलाइज्ड डायरेक्टर्स वर ऑथोराइज्ड। अब 4,32,000 इनका जनरल रिजर्व में पड़ा है, अब उस जनरल रिजर्व में से वो क्या कर रहे हैं? फर्स्ट, टू डिक्लेयर अ बोनस डिविडेंड टू मेक द शेयर्स फुली पेड। पहले इन शेयर्स को फुली पेड कर दिया कि अब आपका जो बाकी का अमाउंट है ना, वो आपको नहीं देना है, आपके शेयर्स हो गए फुली पेड। तो फुली पेड की तीन एंट्रीज लिखवाई है मैंने आपको, चलो फुली पेड अप की तीनों एंट्रीज निकालो। क्या है? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। तो यहां पर रिजर्व की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? जनरल रिजर्व, क्योंकि कौन सा रिजर्व पड़ा है इनके पास? जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, शेयर प्रीमियम हो सकता है, जिस रिजर्व को यूटिलाइज करना है वो लिखेंगे। क्लियर? सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 96,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 96,000। सेकेंड एंट्री क्या है? फाइनल कॉल ड्यू किया है। आप फुली पेडअप वाली एंट्रीज देख रहे हो, पार्टली पेडअप वाली एंट्रीज देखनी है, फाइनल कॉल ड्यू करना है। तो फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आप शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन में ये एंट्री करके आए हो, जो 12th में शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन किया था या M1 में किया है, उसमें ये एंट्री आती थी ड्यू करने के लिए। कोई भी कॉल ड्यू करना हो ना, तो ये एंट्री होती थी, फाइनल कॉल टू कैपिटल 96,000। एंड थर्ड एंट्री क्या है? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 96,000। अब जब इसका पोस्टिंग होगा ना, तो देखो बोनस क्रेडिट हुआ, बोनस डेबिट हुआ, दोनों अकाउंट्स टैली हो जाएंगे आमने सामने। फाइनल कॉल डेबिट हुआ और फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप हो जाएंगे ना, बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स नीचे पड़े हैं वो कैपिटल में ऐड हो गए, बैलेंस शीट का टोटल तो वही होगा। ठीक है, तो ये हो गए पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप कर लिया, पहले तो इतना किया। अब जो फुली पेड अप हुए हैं ना, अब उनको बोनस भी देना है। देखो कंपनी ने दो दो एक साथ अनाउंसमेंट कर दिए कि एक तो पार्टली पेड अप शेयर से फाइनल कॉल मत भेजना, हो गया आपका फाइनल कॉल, दूसरा अब कंपनी बोनस भी दे रही है। ऐसा रेयर होता है कि कंपनी इतना सारा एक साथ दे दे। सेकंड, टू इश्यू 2400 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 40 एज अ बोनस ऑन द बेसिस ऑफ वन शेयर फॉर टू इक्विटी शेयर्स हेल्ड, assuming that the resolution was given effect to, you are requested to pass necessary journal entries in the books of company. अब कंपनी क्या कर रही है कि टू शेयर पर वन शेयर बोनस दे रही है, जिसके पास टू शेयर्स ऑलरेडी हैं उसे वन शेयर बोनस में दे रही है।
तो कंपनी के कितने शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशू किए हुए, 4800। तो 4800 शेयर्स पर बोनस कितना होगा, 2400। तो इसका आंसर आएगा 2400 शेयर्स। अब कंपनी को 2400 शेयर्स बोनस में देने हैं। अब यहां पर है कि शेयर तो दे रही है कंपनी, बट साथ में प्रीमियम भी प्रीमियम पे दे रही है, 40 रुपीज का प्रीमियम दिया है। तो फुली पेड अप शेयर्स को बोनस देने की एंट्री देखो क्या लिखी हुई है, पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस देना है तो 3 एंट्रीज होंगी, और फुली पेड अप को बोनस देना है तो 2, और वो एंट्रीज फिक्स होती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ रिजर्व में पॉइंट चेंज हो जाता है। तो आपको फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, यहां पर आपको लिखना है कौन सा रिजर्व है, जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स को बोनस देना है, बोनस में क्या देना है, 2400 शेयर्स इनटू, अब क्या था कि 40% प्रीमियम के साथ बोनस देना है, बोनस तो देना है मींस प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम कैसे होगा, तो 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है प्लस 40% प्रीमियम है, तो 40 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। सो 2400 शेयर्स इनटू 140 बोनस देना है, 3,36,000 का बोनस दे दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस। सेकेंड एंट्री क्या है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट $3,36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा, प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट होता है एंड डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट होता है, प्रीमियम इनकम होती है डिस्काउंट एक्सपेंस होता है। तो यहां पर 2400 शेयर्स दिए हैं 100 रुपीज के, तो ये दिया है 2,40,000 एंड 2400 शेयर्स पर प्रीमियम कितना था, 40 रुपीज, 96,000, और 96 एंड 240 दोनों का टोटल करके देखो 3,36,000 होगा, ठीक है। सो प्रीमियम दिया हो तो एडिशनल ऐड करेंगे, ये आपके फॉर्मेट में नहीं है। सो ये क्वेश्चन था जिसमें पहले पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप किया एंड देन फुली पेड अप शेयर्स को बोनस भी दिया। क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको बता दूं ये जो आपका चैप्टर है न्यू एडिशन जो बुक होगा उसमें है इश्यू, चैप्टर का नेम है इश्यू ऑफ बोनस शेयर। न्यू एडिशन का जो बुक है उसमें आपका चैप्टर नेम है इश्यू ऑफ बोनस शेयर, एंड जो ओल्ड एडिशन है उसमें यही चैप्टर यही सम्स अल्ट्रेशन लिखा हुआ है, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल 2। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन का बुक है तो भी सेम सम्स आपको उसमें मिल जाएंगे, बट चैप्टर नेम है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल 2। सो न्यू एडिशन है या ओल्ड एडिशन कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सम्स हैं, सेम आंसर्स हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, कुछ डाउट है? नो, चलिए नोट डाउन कर लीजिए अभी।